दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और कविता बोल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों पिछले दिनों कोलकाता में और बदलापुर में जिस तरीके की घटनाएं हुई और इस तरह की जैसी घटनाएं हम बहुत समय से हमारे देश में देखते चले आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें कितनी शर्मनाक हैं, कितनी चिंताजनक हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह के क्राइम्स को कम किया जा सके समाज में। कविता बोल पर हमारी कोशिश रहती है कि हम जन सरोकार से संबंधित कविताएं पढ़ें, आपके लिए लाएं, ताकि इस तरह के विमर्श को जो दिशा देने का काम कविताएं करती हैं, हम उसमें सहभागी हो सकें। और इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए जो कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है जवान लड़की की लाश। कुछ समय पहले नेहा नरूखा जी की कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था फटी हथेलियां। इसी किताब से मैं ये कविता पढ़ रहा हूं, आइए सुनते हैं। लाश लाश लाश, छुन्ने मामा के खेत पर लाश। मर्द खेत की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे, औरतें एक जगह इकट्ठी होकर खुसुर खुसुर करने लगी। बच्चे खेल रहे थे, उन्हें लगा यह भी कोई नया खेल है, वे भी भागने लगे। भागते भागते मर्द आगे निकल गए, बच्चे पीछे रह गए। बच्चे पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहे थे, पर आखिर थे तो बच्चे। रास्ते में उन्हें तरबूज के खेत मिले, खरबूज के खेत मिले, पके आम के पेड़ मिले, पर उन्होंने किसी भी फल को ललचाकर नहीं देखा, वे बस भागते रहे। उन्हें लाश देखनी थी, उन्हें लगा लाश आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की तरह होगी, उन्हें लगा लाश आसमानी झूले की तरह होगी, उन्हें लगा लाश तेज धूप, तेज बारिश या फिर तेज हवा की तरह होगी। थोड़ी देर बाद वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। परती पड़े एक खेत पर एक जवान औरत की लाश पड़ी थी। उसने नींबू रंग का एक सुंदर सलवार सूट पहना था, उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी, उसके हाथ पैर के नाखूनों में मैरून रंग की नेल पॉलिश लगी थी जो आधी आधी छूटी थी। उसने पैरों में बिछिए नहीं पहने थे, उसने हाथों में कांच की चूड़ियां नहीं पहनी थी। मर्दों ने इससे तय किया जवान लड़की की लाश है। बच्चे देखने लगे, लाश का मुंह न काला था न भूरा। बच्चे देखने लगे, लाश के मुंह पर न रोने का भाव था न हंसने का। बच्चे देखने लगे, लाश के गले पर सूखा हुआ खून था। बच्चे देखने लगे, लाश के पास एक मैली सी चप्पल थी। बच्चे डर गए। तो लाश मम्मी बुआ चाची दीदी की तरह होती है। बच्चे भाग आए और अपनी अपनी माओ की गोद में दुबक गए। उन्होंने मन ही मन तय किया अब कभी नहीं जाएंगे लाश का खेल देखने। क्या देखा क्या देखा, बच्चे एक स्वर में बोले, जवान लड़की की लाश, मार डाला फेंक डाला। औरतें आपस में बोली, किसने मारा? कोई बोली बाप ने, कोई बोली भाई ने, कोई बोली जीजा ने, कोई बोली प्रेमी ने। कहाँ मारा? रेल में मारा, घर में मारा, बाग में मारा। कहाँ की थी? कोई बोली गांव की थी, कोई बोली शहर की थी। औरतें देर तक लाश का गीत गाती रहीं, बच्चे लाश का गीत सुनते सुनते सो गए। उन्हें फिर ख्वाब भी आए तो जवान लड़की की लाश क्या है। शुक्रिया। दोस्तों उम्मीद है ये कविता आपको ठीक लगी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, कविता बोल पर हमारी कोशिश रहती है कि
जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर विमर्श करती हुई कविताएं हम आप तक ले आए, ताकि कविताओं के माध्यम से आपके मनोरंजन के अलावा जन चेतना को सही दिशा देने का काम भी ये कविताएं करती रहें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और हम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक के मैसेज इनबॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।